हेलो एवरीवन। तो यार आज हम अपने इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द रैट्रैप। पर मुझे पता है ये चैप्टर आपकी इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास का सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को। सिंपल इस रीज़न की वजह से क्योंकि इस चैप्टर में बहुत हाई लेवल की वोकैबलरी यूज़ करी गई है। ये आपके लिटरेचर का सबसे वोकैबलरी इंटेंसिव चैप्टर है। बट टेंशन मत लो, मैं आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताता जाऊँगा लिखे हुए में ही, मैंने लिख के रखा हुआ है जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा बुक साथ में लेके बैठना, जैसे मैंने मार्क कर रखा है वैसे ही चैप्टर को मार्क करते जाना और वर्ड्स के मीनिंग लिखते जाना, आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हुए ये चैप्टर लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन है इसकी लेगरलॉफ, बट भाई हम तो अपने इंडियन स्टाइल में बोलेंगे लेगरलॉफ। मैं आपको इनकी एक खासियत बता दूं, सेल्मा पहली वर्ल्ड की वुमेन लिटरेचर राइटर थी जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। तो हम एक बहुत अच्छे राइटर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हमारे सीबीएसई ने यार सारे ही हमारे चैप्टर के राइटर्स बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज पिक करी थी। तो चलो स्टार्ट करते हुए चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो ये किस्सा है एक इंसान का। एक बारीकी बात है कि एक इंसान था जो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता था वायर के, कुछ इस तरीके के दिखने वाले रैट ट्रैप्स। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, मतलब वो खुद ही बनाता था ये रैट ट्रैप वायर वाले, उल्टे सीधे टाइम पे बनाता था। मतलब ऐसा कोई उसका प्रोडक्शन वोडक्शन कुछ ऐसा काम इसको स्किल नहीं आता था बनाने का। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। और इन रैट ट्रैप्स का मटेरियल भी इसे कहाँ से मिलता था, या तो ये बड़े स्टोर्स पे और फार्म्स पे जाके भीख मांगता था, वहाँ से इसका इसे रॉ मटेरियल मिलता था इनको बनाने का। बट इवन सो द बिजनेस वर नॉट सो स्पेशली प्रॉफिटेबल। पर इसके बावजूद भी कि इसको रॉ मटेरियल फ्री में मिलता था भीख मांगने पे, इसके बाद भी उसे कोई ऐसा नहीं था कोई वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इस वजह से, क्योंकि बिजनेस कोई ऐसा खास कमाता नहीं था वो, इस वजह से उसे दोनों चीज़ें करनी पड़ती थी। क्या क्या? उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी अपने 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 आप को जीवित रखने के लिए, और पेटी थीवरी, मतलब पेटी का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी थीवरी, चोरी करनी पड़ती थी उसे, भीख भी मांगनी पड़ती थी और चोरी भी करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर, मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा ईडीएम है, मुहावरा है, जो आप अपने एग्जाम्स में भी लिख के आ सकते हो। बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या मतलब होता है कि आप वो चीजें करो जिससे आप जिंदा रह सको। बेसिकली देखो, जब आप मरते हो तो आपकी बॉडी से सोल निकल जाती है, तो ये कहीं वहीं से डिराइव हुआ है मुहावरा ईडियम कि टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये गरीबों के लिए मोस्टली यूज होता है, तो आप एग्जाम में जरूर लिख के आ सकते हो इसे कहीं पे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और उसके क्लोथ्स रैग्स में थे। रैग्स का क्या मतलब होता है, मतलब टॉर्न ओल्ड और शेडी क्लोथिंग, मतलब कटे पुराने फटे हुए कपड़े जैसे इस बच्चे ने पहने हुए हैं, ऐसे ही थे उसके कुछ कुछ कपड़े उसके इसी तरीके से थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके चीक्स जो थे, उसके गाल जो थे, बिल्कुल अंदर धंसे हुए थे भूख की वजह से और खाने की कमी की वजह से। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों को देख के उसकी आंखों में जो भूख थी वो चमकती थी, दिखती थी कि यार ये कितना भूखा इंसान है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम सोच भी नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकता कि लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस। मोनोटोनस लाइफ होने का क्या मतलब है, लाइफ का टीडियसली रिपीटेटिव होना, मतलब वही चीज़ें बार 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 हो रही हैं, कुछ नया एक्साइटिंग नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं आ रही, लाइफ उभर नहीं रही है। तो लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस दिखती होगी किसको, कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड। वैगाबॉन्ड कौन होता है, अ पर्सन विदाउट अ परमानेंट होम हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक बेघर इंसान जो प्लॉड करता है रोड्स पे। प्लॉड का क्या मतलब है, वॉकिंग हेविली एंड स्लोली, मतलब गांव की साइड अगर आपने देखा हो, जैसे बहुत गरीब आदमी बेघर आदमी अपना भारी भारी कदम रखते हुए स्लोली चलता है तो उसे प्लॉडिंग कहते हैं। तो ये रैट्रैप जो है, रैट्रैप सेलर जो है हमारा, वो वैगाबॉन्ड है हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। मतलब क्या है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस का क्या मतलब है, जो कि अकेला है अपनी मेडिटेशन, मेडिटेशन का यहां पे क्या मतलब है, सोच, जो कि अकेला है अपनी सोच के साथ, ना उसके पास कोई बात करने के लिए, ना उसके पास किसी के साथ साथ है रहने के लिए।
बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट. पर एक दिन क्या होता है कि इसके दिमाग में एक एक थॉट आता है, एक लंबा सा थॉट आता है. क्या आता है? विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. और ये जो थॉट आता है बड़ा मज़ेदार लगता है, उसे एंटरटेनिंग लगता है. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया. मतलब वो हमेशा की तरह अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा होता है जब एकदम से ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया. मतलब उसे एक आइडिया आता है. क्या आइडिया आता है? दैट द वर्ल्ड, कि ये दुनिया, वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. उसके एकदम दिमाग में आता है कि यार ये सब जो दुनिया है और उसमें ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं है पर ये उस पिंजरे की तरह ही है जो मैं बनाता हूँ. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और ये जो दुनिया है ये सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि लोगों के लिए बेट्स लगा सके. बेट का क्या मतलब होता है? अ टेम्पटेशन. मतलब यहाँ पे मतलब क्या है? चारे की तरह. बेट का यहाँ पे मतलब क्या है? चारा. कि ये दुनिया में, ये दुनिया है पिंजरा और यहाँ पे बस चारे लगे हुए हैं. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज. मतलब ये पैसा और खुशियाँ देती है. शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोदिंग, घर, खाना, गर्मी, कपड़े. एग्जैक्टली एज रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क. उसी तरीके से जैसे रैट ट्रैप्स जो हैं वो ऑफर करते हैं चीज. पॉर्क क्या होता है? द फ्लैश ऑफ पिग. तो फॉरन में पिग का फ्लैश भी लगाया जाता है चूहे को पिंजरे में पकड़ने के लिए. तो वो क्या कहता है? ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक रैट ट्रैप है, एक पिंजरा है जो कि ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो ऑफर करती हैं चारे की तरह, उस चारे की तरह जो हम चूहों को ऑफर करते हैं चीज और पॉक की फॉर्म में. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट. और जैसे ही हम लोग जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी तरफ भागने लगते हैं, जैसे ही हम उनको टच कर देते हैं, उनकी आदत डाल लेते हैं, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड एवरीथिंग came to an end. और जैसे ही हम इनको छूते हैं, हम इनकी तरफ भागना चाहते हैं, ये एकदम से पिंजरा बंद हो जाता है और सब कुछ हमारी लाइफ में ख़त्म हो जाता है. तो अब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में ऊपर से नीचे तक क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है रैट ट्रैप सेलर का, हमारे वैगाबॉन्ड का, कि यार देखो ये पूरी दुनिया क्या है. उसके दिमाग में आता है यही थॉट कि पूरी दुनिया क्या है. जैसे ही हम इसके रिचेस की तरफ भागना चालू हो जाते हैं, हम एक पिंजरे में फंस जाते हैं. मतलब यार जैसे आप एक इंसान, एक बिजनेसमैन है या एक सैलरीड पर्सन है, वो जैसे ही पैसे के पीछे भागना पड़ लग जाता है वो एक रैट ट्रैप में फंस जाता है. वो एक रेस में लग जाता है जिसमें उसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए. तो वो कुछ इस तरीके से सोचता है कि यार आसपास जो सब लोग हैं ये कुछ नहीं कर रहे, ये बस एक पिंजरे में फंस चुके हैं जिसमें ये और ज्यादा चीजें चाहते हैं, और ज्यादा कंफर्ट, रिचेस चाहते हैं, और ये लोग अब एक पिंजरे में फंस चुके हैं. The world had of course never been very kind to him. अब author उस पर comment करता है उसके thought process पे, हमारे vagabond के, कि भाई ये जो पूरी दुनिया है obvious ही बात है उसके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं थी. So it gave him an unwanted joy to think ill of it in this way. तो unwanted का क्या मतलब होता है? Unwanted का मतलब क्या होता है? Unusual. तो इस तरीके से दुनिया के बारे में खराब सोचना उसे बहुत खुशी दे रहा था. मतलब क्या है यहाँ पे ऑथर का रैट ट्रैप सेलर के थॉट प्रोसेस पे क्या सोचना है? कि भाई दुनिया उससे कभी अच्छी नहीं रही, तो लोगों के बारे में बुरा सोचना इस तरीके से उसे खुशी दे रहा था. उसको इस तरीके की फीलिंग दे रहा था कि भाई सब तो रैट ट्रैप में फंस चुके हैं और मैं उस रैट ट्रैप से बिल्कुल आजाद बैठा हुआ हूँ. इट बिकेम अ चेरिश्ड टाइम पास ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स. मतलब क्या है कि ये जो थॉट होता है इस तरीके से सोचना लोगों के बारे में, उसका बड़ा मज़ेदार, उसका चेरिश टाइम पास बन जाता है. और वो ऐसा कई ड्रेरी प्लॉडिंग्स. ड्रेरी का क्या मतलब होता है? बोरिंग या फिर डल. प्लॉडिंग का मतलब मैंने भी ऊपर बताया ही था कि हैवीली वॉक करना. तो कई बारी बोरिंग वॉक्स पे उसको इस तरीके से सोच के बड़ा मज़ा आता है कि to think of people he knew who had let themselves to be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. तो उसे क्या सोचने में मजा आता है कि
उसके आसपास जितने भी वो लोगों को पास में जानता था कि वो कितनी बुरी तरह स्नेर में फंस चुके हैं। स्नेर क्या होता है? स्नेर भी एक तरीके का पिंजरा होता है, एक तरीके जाल होता है, पिंजरा नहीं जाल, जो फॉरेस्ट में छोटे मोटे एनिमल्स को पकड़ने के काम आता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो उससे बड़ा मजा आता है ये सोच के कि मेरे पास में मैं जो लोगों को जानता था जितनों को भी, वो कितनी बुरी तरह स्नेर में फंस चुके हैं, उस पिंजरे में फंस चुके, जाल में फंस चुके हैं, एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। और वो दूसरे लोग जो अभी तक पिंजरे में फंसे नहीं है, पर वो उस बेट की तरफ, यानी वर्ल्ड के रिचेस और वो कंफर्ट्स की तरफ उसके चारों ओर सर्कल्स लगा रहे हैं। भाई वही वाली बात हो गई, ये तो जैसे हम लोग करते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो सीधा कह देंगे भाई बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी पढ़ाई करी थी, वो उन्होंने कॉलेज भी नहीं किया। पर हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग जो है हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं, जो वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग अपने आप को कंफर्ट करते हैं अपने फेलियर्स को ऐसी चीजें सोच के। तो इसी तरीके से ये जो रैट ट्रैप सेलर है, ये भी अपने आप को कंफर्ट दे रहा था ऐसी चीजें सोच के कि दूसरे तो यार कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं और मैं अपनी लाइफ में कितना बढ़िया हूं, मैं कितना अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड। ट्रजिंग का क्या मतलब होता है? टू वॉक इन अ लेबोरियस हैवी फुटेड वे, मतलब जैसे प्लॉडिंग का मैंने मतलब बताया था, वही भारी भारी धीरे धीरे वॉक करना। तो वो रोड पे ट्रज कर रहा था, धीरे धीरे भारी भारी वॉक कर रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। कॉटेज क्या होता है? कॉटेज यार एक घर होता है, छोटा सा घर, मतलब फॉरेन में एक छोटे से घर को जो कि गांव में होता है उसे कॉटेज कहते हैं। तो एक दिन चलते चलते उसे एक छोटा सा कॉटेज दिखता है बाय द रोड साइड, रोड के साइड में ही। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो उसने वो खड़खड़ाता डोर कि भाई मेरे को रात को रहने के लिए जगह दे दीजिए प्लीज। नॉर वॉज ही रिफ्यूज। और मजे की बात क्या होती है? नॉर ही वॉज रिफ्यूज, मतलब उसको कोई मना भी नहीं करता वहां शेल्टर यानी रहने के लिए उस रात के लिए। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, मतलब उन खट्टे कड़वे चेहरों के बजाय जो उसे ऑर्डिनरली मतलब हमेशा मिला ही करते थे, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। मतलब उसका जो ओनर था, एक बूढ़ा आदमी था बिना किसी बीवी या बच्चों के, वो बहुत खुश था कि एक इंसान को वो अंदर बुला सके और अपने अकेलेपन में किसी से उसे कोई बात करने के लिए मिल जाए। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो जैसे ही हमारा रैट ट्रैप सेलर अंदर आया, उसने एक पॉरेज पॉट, पॉरेज क्या होती है? खिचड़ी होती है, खिचड़ी नहीं होती वैसे एग्जैक्टली। हमारे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो वो हमारी खिचड़ी वहां पे ले गए और उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो उसने एक खिचड़ी का बर्तन, खिचड़ी भर के फायर पे रख दिया एंड गेव हिम अ सपर। सपर क्या होता है? सपर होता है लाइट मील, लाइट मील, अ लाइट इवनिंग मील, मतलब शाम को लिए जाने वाला हल्का फुल्का खाना। क्या दिया हमें नहीं पता, पर उसे एक छोटा सा सपर दे दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल दैट इट वॉज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर पाइप्स एंड हिज ओन, स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो फिर उसके बाद वो सब रखने के बाद, उसे सपर देने के बाद, वो अपने टबैको रोल, टबैको रोल कुछ इस तरीके का होता है, मैं पहले कह दूं टबैको बच्चे सेहत के लिए हानिकारक होता है, मुकेश को आप देखते ही हर मूवी से पहले। तो वो टबैको रोल से एक बहुत बड़ा सा टबैको का हिस्सा निकाल देता है इस तरीके से, जो कि काफी ज्यादा मतलब होता है उसके लिए भी, उसके पाइप के लिए भी और स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजीलीज विद हिज ओल्ड विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो उसके बाद वो फिर ये सब करने के बाद वो एक कार्ड पत्तों का गड्डी निकालता है और अपने गेस्ट के साथ, रैट ट्रैप सेलर के साथ मजीलीज खेलता है सोने के टाइम तक। द ओल्ड मैन वॉज एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद द पॉरेज एंड टबैको। मतलब वो जो बूढ़ा इंसान था, कॉन्फिडेंसेज का क्या मतलब है? द टेलिंग ऑफ प्राइवेट मैटर्स, मतलब वो बूढ़ा इंसान अपने सीक्रेट्स बताने में उतना ही जेनरस था, मतलब उसने अपने सीक्रेट इतने ही खुले दिल से बताए जैसे उसने खुले दिल से उसे अपने गेस्ट को खिचड़ी और टबैको दिया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस That in his day of prosperity, his host had been a crofter at the Romsko iron work. मतलब गेस्ट को एक बारी में ही ये बता दिया गया कि जब वो इंसान इतना बूढ़ा, जो उसका होस्ट था, जो बूढ़ा आदमी था, जब वो जवान था, जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, उसके मतलब अच्छे दिन थे,
तब वो क्रॉफ्ट में आता रॉम्सको, वैसे तो इसको स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन रॉम्सको है, बट अब से मैं इसको इंडियन अपने देसी स्टाइल में राम्स जो बोलूंगा, तो राम्स जो आयरन वर्क में वो क्रॉफ्टमैन था। देखो मैं इस टाइम ये नहीं बताना चाहता कि आयरन वर्क्स कैसे काम करती है, ये क्या होता है। क्रॉफ्टर एक सिंपल सा वर्ड आप ये मान के चलो, एक डेजिग्नेशन होता है, एक कारीगर होता है जो कि आयरन वर्क्स में काम करता है। तो वो बूढ़ा इंसान क्रॉफ्टर हुआ करता था राम्स जो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने इसी जमीन पे मतलब यहीं पे ही काम किया हुआ है, मतलब यहीं का वो एरिया का बिलोंग करता है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो क्योंकि डे लेबर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब वो काउ उसकी गाय थी जो उसका दिनचर्या उसको सपोर्ट करती थी, उसकी दिनचर्या चलाती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब क्या है ये, हाँ जो ये तुम गाय देख रहे हो ये बॉसी गाय, मतलब गाय का भी थोड़ा वो स्वैग वाली गाय थी, ऐसी नॉर्मल सी गाय नहीं थी, उसकी भी अपनी चौड़ थी। वो जो गाय है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, कोई ये नॉर्मल गाय नहीं है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ये ऐसी गाय है जो क्रीमरी के लिए हर दिन दूध दे सकती है। क्रीमरी क्या होता है? क्रीमरी एक टाइप ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग, दूध की प्रोसेसिंग की यूनिट होती है, जिसमें दूध और दूध की क्रीम को अलग किया जा सकता है। तो ये गाय इतना बढ़िया दूध देती थी कि डेली हम उसके दूध को क्रीमरी में लेके जाके बेच सकते थे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और लास्ट महीने उसने यही दूध बेच बेच के 30 क्रोनोर कमाए, मतलब उसके लिए उस टाइम के लिए और उस इंसान के लिए 30 क्रोनोर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुअस, इनक्रेडुअस का क्या मतलब होता है? हम जब वो एक्सप्रेशन बना ले डिसबिलीफ वाले, अपना चेहरा ऐसा बना ले कि हैं मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ऑथर यहां पे कमेंट क्या करता है कि जब 30 क्रोनोर की बात ओल्ड मैन ने रैट्रैप सेलर को बताई, तो उसने जरूर एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ दी अपने चेहरे पे, जिसकी वजह से फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, जिस वजह से ओल्ड मैन खड़ा हुआ और विंडो पे विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल ऑफ द वेरी विंडो फ्रेम, मतलब उसी विंडो फ्रेम के कीले गड़ी हुई थी, उस पर एक लेदर पाउच कुछ ऐसा दिखने वाला लटका हुआ था, उसको उतारा एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनोर बिल, और निकाल के उसने तीन वो नोट निकाल दिए, 3 10 रुपए के क्रोनोर बिल निकाले जो मुसे हुए थे, जो थोड़े ऐसे मुड़े हुए थे। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली, और फिर वो वही तीन जो बिल्स थे, तीन नोट थे, वो आंखों के आगे दिखाने लगता है और नॉड करने मतलब लगता है, मतलब उसकी आंखों के आगे दिखाता है वो नोट और हिलाने लगता है, नोडिंग नोइंगली हिलाने लगता है नोटों को, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वो वापस उसे अपने पाउच में, लेदर के पाउच में वापस डाल लेता है। मतलब भाई ओल्ड मैन ने लिटरली उसे अपने पाउच से पैसे निकाल के उसके आगे आंखों के आगे हिला के विश्वास दिला रहे कि हाँ मैंने पैसे कमाए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप टू गुड सीजन, मतलब दोनों उठ गए अगले दिन, सोए और फिर अगले दिन उठे, और काफी अच्छा मौसम था। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जल्दी में था अपनी काउ का मिल्क निकालने के लिए, उसे जाना था। एंड द अदर मैन प्रॉबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज हैड गॉटन अप, और फिर मतलब ये चीज ओल्ड मैन उठ गया, तो इस वजह से क्रॉफ्ट उस हमारे रैट ट्रैप सेलर को लगा कि उसे भी उठ जाना चाहिए अगर हेड यानी हमारे क्रॉफ्टर उठ गए हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने घर को एक ही टाइम पे छोड़ दिया, मतलब निकल गए अपने अपने रास्ते पे। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, उसने डोर को लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था उसने गुड बाय बोला क्रॉफ्टर को, थैंक यू बोला, और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर्स स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पर आधे घंटे बाद कुछ क्या हमें देखने को मिलता है कि रैट ट्रैप पेडलर, पेडलर क्या होता है, वो इंसान जो गलियों पे सड़कों पे सामान बेचता है, तो रैट ट्रैप बेचने वाला जो आदमी था वो दोबारा वही हमारा आदमी उसके गेट के बाहर खड़ा होता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर पर वो क्या करता है, ही ओनली वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है, स्मैश्ड अ पेन,
पेन क्या होता है, देखो विंडो क्या होती है उस जमाने में, फॉरन में इस तरीके की विंडो होती थी जिसमें ऐसे ब्लॉक्स हुआ करते थे, और एक ब्लॉक को पेन कहा जाता है, ये जैसे एक चकोर ब्लॉक को पेन कहा जाता है। तो वो विंडो के पास जाता है, एक पेन को तोड़ देता है, स्टक इन हिज हैंड, अंदर अपना हाथ घुसाता है एंड गेट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और वो पाउच निकाल लेता है और उन 30 क्रोनोर को निकाल देता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज पॉकेट, वो अपनी भाई निकालता है पैसे और अपने अपनी जेब में ठूस देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वो बड़ी आराम से वो लेदर पाउच को दोबारा उस कील पर टांग देता है और चला जाता है। और मजे की बात मुझे पर्सनली यहाँ पे क्या लगती है, भाई पैसे तो छुड़ा लिए, लेदर पाउच वापस दे गया कि चलो भाई लेदर पाउच, तो ईमानदारी देखो भाई कि मतलब लेदर पाउच छोड़ गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, अब वो जैसे अपना पैसे लेके जा रहा होता है उसे बड़ी अपनी स्मार्टनेस पे गर्व होता है कि कैसे उसने स्मार्टली अपना ऐसा चेहरा बना के लोकेशन पता कर ली उस बूढ़े आदमी से पैसे की और फिर उसे चुरा लिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, फिर उसे एकदम से रियलाइजेशन आ जाती है कि यार पब्लिक हाईवे पे तो जाना बेवकूफ़ी है, मेन रोड पे नहीं चलते, बट ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसे रोड से उतर के मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, कि उतर के वो कहाँ जाता है, वो इन टू द वुड्स, वो रोड से उतर जाता है और जंगलों में जाने लगता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू के घंटों में वहाँ पे फॉरेस्ट में उसे कोई कोई दिक्कत नहीं आती, बट आगे क्या होता है, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है बहुत बुरा हाल हो जाता है, फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, क्योंकि वो फॉरेस्ट जिसमें वो घुसा होता है वो बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग निकल जाता है, जैसा उसने सोचा नहीं होता है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, वो सोचता है कि हाँ मैं डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करूँगा, पर जो रास्ते थे उस फॉरेस्ट में बिल्कुल बैक एंड फोर्थ आगे पीछे घूमे जा रहे थे और बड़े अजीब तरीके से घूम रहे थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब वो चलता जाता है पर वो जंगल के एंड तक तो नहीं पहुंच पाता, वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पाथ ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर उसे रियलाइज होता है कि मैं तो बार बार उसी जंगल के उसी हिस्से में घूमे जा रहा हूँ, मैं कोई नई जगह नहीं पहुंचा, मैं कहीं नई जगह निकला नहीं हूँ। ऑल एट वंस He recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब उसे एकदम से वो रिकॉल करता है, रिकॉल का क्या मतलब है, याद करना, उसे एकदम से याद आता है उसके पुराने थॉट्स जिनके बारे में वो सोचा करता था कि ये सब दुनिया है और ये सब जाल है, उसे एकदम से रियलाइज होता है कि अबे मैं भी तो यही सोचा करता था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी खुद की बारी आ गई है इस जाल में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ फूल्ड बाय द बेट बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, अब उसे रियलाइज होता है कि वो जो तीन नोट थे वो एक बेट था, सिर्फ वो एक चारा था जिसकी वजह से वो फूल खुद बन गया है और अब वो खुद इस पिंजरे में फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ट्रंक्स क्या होते हैं, पेड़ की जो हमारा बेस होता है ये ट्रंक होता है, एंड इट्स ब्रांचेस इट्स थिकेट्स, थिकेट्स क्या होती हैं, जब बहुत सारी बुशेस मिलके एक रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, तो क्या कहा गया है, द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, गिरी हुई लकड़ियाँ, क्लोज इन इन अपॉन हिम, उसको बिल्कुल उसने पिंजरे की तरह बांध लिया था, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल का क्या मतलब होता है, जिस इम्पॉसिबल टू पास थ्रू और एंटर, कोई ऐसी चीज जिससे आप पास थ्रू निकल ना सको या घुस ना सको, तो ये फॉरेस्ट उसके लिए एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह बंद हो चुका था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये जो बात है, ये जो घटना हो रही है, ये दिसंबर के आखिरी के दिनों की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा होना चालू हो चुका है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर,
इससे क्या हुआ, अब अंधेरा हो रहा है तो फॉरेस्ट का डेंजर भी बढ़ गया है जानवरों और ठंड की वजह से। और जैसे ही अंधेरा आने लगता है उसकी ग्लूम, ग्लूम का क्या मतलब होता है, अ स्टेट ऑफ मेलनकॉली और डिप्रेशन, मतलब उदासी और डर की स्टेट, और डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब है जब टू लूज ऑल होप्स। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है उसको डर लगने लगता है और वो अपनी सारी होप्स भी डिस्पेयर होने लगता है, वो अपनी सारी होप्स लूज करने लगता है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और उसे फिर पर रियलाइज होता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ। मतलब ये एक ईडियम होता है कि पूरे दिन चल चल के वो बहुत बुरी तरह थक चुका है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे सोच आने लगती है, सोचने लगता है कि उसकी अब मौत आ गई है, या तो वो ठंड में मर जाएगा या जानवर कोई मार देगा उसे। बट जस्ट एज ही हैड लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही वो अपना सर टिका देता है ज़मीन पे, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ज़ोर ज़ोर की लगातार बजने वाली थम्पिंग की। थम्पिंग की वॉइस कुछ ऐसी होती है, देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, और उसे कोई शक नहीं बचता है, उसे एकदम सुनते ही आवाज़ पहचान में आ जाती है कि किस चीज़ की आवाज़ होती है, उसे कोई डाउट नहीं बचता कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ही रेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को खड़ा करता है, दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, और वो पहचान जाता है, जैसे अभी हमने लाइन में पढ़ा, वो एकदम से पहचान जाता है कि ये हथौड़ों के बजने की आवाज़ है जो कि आयरन मिल से आ रही है। आयरन मिल कैसी थी वो भी हम आगे की लाइंस में पढ़ने वाले हैं। ही थॉट, वो सोचता है, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यहाँ आसपास ज़रूर कोई लोग होंगे जो वो हथौड़े बजा रहे हैं। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी सारी बची कुची ताकत इकट्ठा करता है, गॉट अप, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और चलना चालू कर देता है, अपने आप को खींचना चालू कर देता है उस साउंड की डायरेक्शन में। तो चलो यार, इस पार्ट में हमने चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है भाई। प्लीज़ कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना आपको समझ में आया, कोई कमी लगी, मेरे को आपके कमेंट से ही पता चलता है मैं आप लोगों के लिए ठीक काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप एक चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेके आओ और हम इस चैप्टर को आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो बाय।